नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सरोज सिंह। रुख करते हैं आज की खास खबरों पर। नशे में धुत पोते ने हथौड़ा मारकर दादी को उतारा मौत के घाट। मामला देवघटा का है, जहां खाना खाने को लेकर चाचा भतीजे में हो रहे विवाद के बीच बीच बचाव करने आई दादी को पोते ने हथौड़ा मार दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दादी की मौत हो गई। फिलहाल आरोपी पोते को पुलिस गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा जिले में शराब के नशे में धुत पोते ने खाना खाने को लेकर हुए विवाद में अपनी 70 साल की दादी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पोते को परिजनों ने भागने नहीं दिया और थाने में सूचना देकर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना बीती रात सिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम देवरघट्टा की है, जहां देवरघट्टा गांव का रहने वाला आरोपी रजनीकांत शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचा और खाना खाने को लेकर अपने चाचा चैतराम से विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी अपने चाचा चैतराम को मारने के लिए हथौड़ा लेकर आया। इसी बीच चैतराम की मां अंजोरबाई बीच बचाव करने के लिए आई, जिस पर आक्रोशित रजनीकांत ने अंजोरबाई के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि अंजोरबाई की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और पड़ोसियों ने थाने में सूचना देकर आरोपी रजनीकांत को पुलिस के हवाले कर दिया। मामला सब्जी के नाम से साथ में भैया दोनों मतलब घर में झगड़ हुआ है, मारपीट हुआ है, तब मोला मारी तब मोर दही पड़ गए। अच्छा, हथौड़ी से मारी तो दही पड़ गए मोर दही ला। ओकर बाद तहन मतलब मैं कोटवार कर गए हैं, रिपोर्ट उपोर्ट लिखवा बुके हैं, तो कोटवार मनाइस गाँव का आदमी मनाइस। हाँ, ये मनबोध रोहिदास का परिवार है, ये मनबोध स्वर्गीय है। इसके तीन लड़के हैं, दुकालू, समारू और चैतराम। कल दिनांक 20 नवंबर की शाम लगभग 6 बजे चैतराम और समारू दोनों भाई बाजार गए, शराब पी कर आए और साथ में मुर्गा खरीद के लाए। मुर्गा पक रहा था, उसी दौरान समारू नशे की हालत में सो गया। उसके थोड़ी देर बाद समारू का लड़का रजनीकांत घर आया और तब तक मुर्गा को चैतराम और बच्चे वगैरह खा लिए थे और उसने मुर्गे की डिमांड किया चिकन की, तो उसको मुर्गा चिकन दिया गया, किंतु जितना चाह रहा था, खाना चाह रहा था, उतना उसको नहीं मिला, जिस वजह से वो बिना किसी का नाम लिए बगैर गाली गुफ्तार करने लगा, घर में चिल्लाने लगा। इस पर चैतराम ने उसको मना किया कि गाली गुफ्तार मत दो, यहाँ माँ बहनें हैं, बच्चे हैं, अच्छा नहीं लगता। किंतु इस बात पर से रजनीकांत अपने चाचा चैतराम के साथ उलझ गया और विवाद करने लगा, हाथापाई किया, मारपीट किया। इसी बीच में उसकी माता मतलब चैतराम की माँ अंजोरा बाई बीच बचाव करने आई, तो रजनीकांत ने आओ देखा ना ताओ देखा अपनी दादी अम्मा को अंजोरा बाई को हथौड़ा से सिर में प्रहार कर गंभीर रूप से चोट पहुंचाया, जिस वजह से मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद चैतराम को भी मारने का प्रयास किया, जिसके डर की वजह से चैतराम बस्ती की ओर भाग निकला और गांव वालों को बताया कोटवार आदि को। कोटवार की रिपोर्ट पर थाने में धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी रजनीकांत को पुलिस हिरासत में लिया गया है, पूछताछ और वैधानिक कार्रवाई चल रही है। शिवरी नारायण से आशीष कश्यप की रिपोर्ट, एसीएन 24।